मैं मोहम्मद वसीम अली बेग, लेक्चरर इन उर्दू, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन नलगुंडा। आज के इस वीडियो लेसन में हम इससे नज़म से सहर लुधियानवी को पढ़ेंगे। उनकी नज़म ए शरीफ इंसान। पहले अपन सहर लुधियानवी का तारुफ पढ़ें। सहर लुधियानवी नज़म के बहुत ही मशहूर शायर, दुल्हई नाम सहर तखल्लुस, 1921 ईस्वी में लुधियाना में पैदा हुए। सहर लुधियानवी का असल नाम क्या है? अब्दुल्हई, और सहर उनका तखल्लुस है, जो लुधियाना में 1921 में पैदा हुए। इनके वाली चौधरी फजल अहमद खुशहाल और साहिब हैसियत इंसान थे। इनके वाली क्या है, बहुत ज़माने के बहुत बड़े चौधरी ज़मींदार थे। जो खुशहाल दौलत और सरबत रखने वाले और एक हैसियत रखने वाले इंसान थे। अभी कम से नहीं थे कि वालिद और वालदा में कशीदगी इस हद तक बढ़ गई कि अलहदगी हो गई। ये छोटे इनके कमसिनी की उम्र में ही इनके वालिद और वालदा में कशीदगी बढ़ने की वजह से दोनों अलहदा हो गए। साहिर माँ के साथ रहने लगे। उनकी तालीम और तरबियत वालदा और मामू के ज़ेर निगरानी हुई। दयाल सिंह कॉलेज से बीए किया। माँ के साथ ये रहने लगे। उनकी तालीम और तरबियत उनके मामू की निगरानी में हो रही थी। दयाल सिंह कॉलेज से बीए किया। कम उम्र से शायरी शुरू की, यानी कम उम्र से शायरी का शौक़ था। ये शायरी करने लगे। 1947 तक के ख़ास शोहरत के मालिक हो गए। 1947 तक क्या है, आज़ादी यानी मुल्क की आज़ादी मिलने तक बहुत ही शोहरत के मालिक बन गए। बहुत ही मशहूर शायरों में शुमार होने लगा। शायर ने अपनी मुलाजिमत का सिलसिला भी अदबी मशागिल में ढूंढा। वो क्या है, अपनी मुलाजिमत भी क्या है, अदबी मशगलों में, यानी उर्दू की खिदमत में करने वाले, उर्दू की खिदमत करने वाले खिदमत के लिए क्या है, वो इसमें उर्दू अदब में ही अपनी मुलाजिमत को ढूंढने लगे। चुनाचे लाहौर में अदब लतीफ़ और सवेरा माहनामों में बहसीत मुदीर काम करते रहे। दिल्ली में शाहरा की इदारत के फ़रज़ अंदर, यानी उस ज़माने में उर्दू अदब के अंदर जो माहनामे या रिसाले निकलते थे उसमें क्या है, सवेरा माहनामा, उसमें क्या है, बहसीत मुदीर ज़िम्मेदार हैसियत की, ज़िम्मेदार हैसियत से काम सवेरा के अंदर काम करने लगे। और दिल्ली के अंदर क्या है, शाहरा, वो एक उस ज़माने में निकलने वाला सवेरा की तरह वो भी एक क्या है, माहनामा रिसाला था, इसकी इदारत के फ़राइज़ भी अंजाम देते रहे। तकसीम हिंद में बड़े मसाइब बर्दाश्त करने पड़े, यानी हिंदुस्तान की तकसीम के वक्त बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हालात ने उन्हें मुंबई पहुँचा दिया। हालात इतने ख़राब हो गए वो मजबूर होकर के हैं मुंबई चले गए। अपनी शायराना सलाहियतों से फिल्मी गीत लिखने में मसरूफ़ हुए, जो बेहद मकबूल है। उस ज़माने में मुंबई के अंदर क्या है, जाने के बाद वहाँ पे फिल्मी इंडस्ट्री के अंदर फिल्मी गाने लिखने में मसरूफ़ हो गए और वहाँ पे बहुत मकबूल भी है। उनके गाने बहुत मकबूल हुए, भी बहुत मशहूर गाना लिखने वालों में शुमार होने लगे। नसर में कालमास और साम्राज्य दो तर्जुमे और नज़म में तलखियाँ और परछाइयाँ मजमूए शाये हुए, जो बेहद मकबूल और मशहूर हैं। नसर के अंदर क्या है, इनके दो तर्जुमे हैं, कालमार्स और साम्राज्य के नाम से दो क्या है तर्जुमे हैं, दूसरी ज़बानों में लिखी हुई। ये नसर को क्या है, वो उर्दू के अंदर तर्जुमा करके लिखे। और नज़मों के अंदर क्या है, तलखियाँ और परछाइयाँ के नाम से क्या है, दो इनकी नज़मों के मजमूए हैं, जो बेहद मकबूल और मशहूर हुए। शायर की शायरी अपने हद का मुरक्का है। सियासी और समाजी हालात की अक्कासी इनकी नज़मों में अक्सर बेशतर पाई जाती है। गरीबों का दुख दर्द, माहौल की कशमकश, मुल्क की अबतरी और समाज की मफलिसी इनके महबूब मौजूद हैं। इनकी शायरी के अंदर क्या है, वो अपने ज़माने की क्या है, सही तौर पे तर्जुमान करने वाली शायरी करने लगे। इसके अंदर अपनी शायरी के अंदर क्या है, उस ज़माने के सियासी हालात, समाजी हालात जो भी थे, उस ज़माने के हालात इनकी शायरी के अंदर, इनकी नज़मों के अंदर मिलती हैं।
और इसके साथ साथ क्या है, गरीबों का दुख दर्द, गरीब उस ज़माने में क्या है, मुफलिसी में मुफलिस लोग, गरीब लोग किस तरीके से अपना दुख और दर्द दूसरों को बयान करने से मजबूर थे, अपनी ज़िंदगी गरीबी के अंदर गुजार रहे थे, और माहौल किस तरीके से था, और मुल्क के हालात किस तरीके से बदतर होते जा रहे थे, और समाज की मुफलिसी, यानी समाज क्या है, ना चाहते हुए भी क्या है, एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे बढ़ने के बढ़ नहीं रहा था। ये सारे मौजूद इनकी शायरी के बहुत ही महबूब मौजूद थे जो अपनी नज़मों के अंदर पेश कर रहे थे। अंदाज़ बयान के लिहाज से शायर की नज़मों में मीर का अंदाज़ मुखातिब मिलता है। अंदाज़ बयान इनका क्या है, मीर की शायरी की तरह इनका भी मुखातिब करने का अंदाज़ मिलता है। कभी वो अपने आप से बातें करते हैं, कभी महबूब से, कभी किसी और से। इनकी शायरी के अंदर क्या है, वो खुद कभी अपने आप से बातें करते हुए नज़र आते हैं, और कभी अपने महबूब से, और कभी किसी और से। इस तरह का अंदाज़ इनकी शायरी के अंदर रहता है, मगर जिससे भी मुखातिब होते हैं, इनके शायान शान अल्फाज का इस्तेमाल अपनी शायरी के अंदर जिससे भी मुखातिब नज़र आते हैं, वो क्या है, उसकी हैसियत के हिसाब से अल्फाज का इस्तेमाल इनकी शायरी की बहुत ही बेहतर खसूसियात में से शुमार कर होता है। शायर का इंतकाल उर्दू शायरी में एक अच्छे शायर का नुकसान है, और इंतकाल करने की वजह से ये क्या है, उर्दू शायरी का बहुत बड़ा नुकसान माना जाता है। ये उनका मुख्तसर तारुफ। उनकी नज़म आए शरीफ इंसानों, यानी इंसान अगर मुखातिब होकर कहते हैं कि इंसानी शराफत क्या चीज़ है, किस तरीके से क्या है, एक इंसान को शरीफ होना चाहिए, किस तरीके से दूसरों के साथ उसने सलूक होना चाहिए, शरीफ इंसानों से मुखातिब है। ये नज़म हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जंग के पस मंज़र में लिखी गई है। शरीफ इंसानों, ये नज़म क्या, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जंग के पस मंज़र में लिखी गई और माहिद ताशकंद की सालगिरह पर नशर की गई। ये क्या है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग जब हो रही थी उसके पस मंज़र में लिखी गई नज़म है, और ये माहिद ताशकंद यानी उस ज़माने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग बंदी, जंग को ख़त्म करने के लिए जो ताशकंद मकाम पर बैठ कर के हिंदुस्तान और पाकिस्तान के उस ज़माने के सियासी लीडर्स, वज़ीर आज़म और मिनिस्टर्स बैठ के कहे, जंग बंदी, जंग को ख़त्म करने के लिए एक माहिदा ताशकंद के मुकाम पर है, उसके एक साल मुकम्मल होने पर ये नज़म क्या है सुनाई गई, नशर की गई। पहली सालगिरह माहिदा ताशकंद उस मौके पर सुना गई। उसमें शायर कहते हैं कि खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर, जंग मशरक में हो के मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर। यानी जंग की वजह से जो खून बह रहा है वो क्या है, अपना हो या पराया हो, सब क्या है, एक आदम की औलाद है, सब आदम के औलाद हैं, इनका खून बहाना क्या है, ये मुनासिब बात नहीं। ये जंग की वजह से क्या है, जो ख़त्ल खून गारतगिरी हो रही थी जिसकी वजह से इंसानों का खून बहता है, ये खून अपना, चाहे वो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान का हो या हिंदू हो मुसलमान हो, सबका खून एक ही है, जो सब क्या है, एक आदम की नस्ल है। जंग मशरक में हो के मगरिब में, अमन आलम का खून है। यानी जंग किसी भी मुल्क से और कहीं भी हो, दुनिया में किसी भी मुल्क से किसी की भी लड़ाई, चाहे मशरक की हो, मगरिब की हो, मगरबी ममालिक हो, मशरक़ी ममालिक हो, सब क्या है, जंग की वजह से क्या है, सारी दुनिया का अमन आलम का खून है। यानी एक अमन का खून करने के बराबर है, यानी अमन को ख़त्म करने के बराबर है। इस वास्ते क्या है, जंग कहीं पर भी हो, इससे क्या है, सारी दुनिया का अमन और चैन ख़त्म हो जाता है। ये अमन और चैन ख़त्म करना, उनको कत्ल, अमन और चैन को ख़त्म करने, कत्ल करने, खून करने के बराबर माना जाता है शायर की नज़र में। बम घरों पर गिरे के सरहद पर, रूह तामीर ज़ख्म खाती है, खेत अपने जलें के गैरों के, जीस्त पाखों से तलमलाती हैं। यानी जंग की वजह से जो बमबारी होती है, चाहे वो घर पर गिरे या सरहद पर गिरे या कहीं पर भी गिरे, खुले मैदानों में गिरे या बस्तियों में गिरे, जिससे क्या है, रूह तामीर ज़ख्म खाती हैं। यानी मुल्क की तरक्की, इंसानों की तरक्की जो है वो क्या है, ख़त्म हो जाती है, रुक जाती है। इंसानों जीने वाले, बसने वाले सारे इंसानों की ज़िंदगी क्या है, ख़तरे में पड़ जाती है, और खेत जल जाते हैं, चाहे वो अपने हो या दूसरों के।
के ख़त्म हो जाते हैं बम के वजह से, बम गिरने की वजह से क्या है, ज़मीन पूरी बंजर हो जाती है और जीस्त फाकों से तरमा और ज़िंदगी क्या है फाकों पर गुजारने पर मजबूर हो जाता है। यानी अगर ज़मीन ख़राब हो गई, बंजर हो गई, तो क्या है वहाँ पर खेती नहीं होगी, खेती हुई न होने की वजह से क्या है जीने वाले लोगों को क्या है रोज़ी रोटी नहीं मिल सकती और आदमी क्या है फाकों से तलमला के अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने पर मजबूर हो जाता है, यानी मर जाता है। टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, कोक धरती की बांझ होती है, फतह का जश्न हो कि हार का शोक, ज़िंदगी मैयतों पर होती है। टैंक यानी जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियार, बड़े बड़े टैंक यानी दबदबे दबाबे, ये सारी चीज़ें चाहे आगे बढ़ें या पीछे हटें, जिसकी वजह से क्या है ज़मीन बंजर हो जाती है, ज़मीन के अंदर जो फसल पैदा करने की सलाहियत है सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, ज़मीन बांध होकर रह जाती है, जिसकी वजह से खेती नहीं होगी, न होने की वजह से क्या इंसान फाकों से मरने लगे। अगर कोई जंग में जीतने वाला फतह का जश्न मनाता है या कोई हारने वाला मरने वालों कत्ल होने वालों जंग में कत्ल होने वाले शहीद होने वालों की मैयतों पे रोता है, चाहे वो होती है फतेह का जश्न हो या कामयाबी का जश्न हो या हारने वाले मरने वालों की मैयतों पे रोना हो, यह सारी चीज़ों की वजह से क्या है ज़िंदगी एक बहुत ही वीरान और अजीरन बन जाती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। जंग ही क्या है मसलों का हल नहीं है, बल्कि यह खुद एक बड़ा मसला बन जाएगी। जंग शुरू तो करना आसान है, लेकिन उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। जंग आगे बढ़ते गए जानी नुकसान, माली नुकसान, जिसकी वजह से ज़मीन बंग गिरने की वजह से ज़मीन बंजर हो गई, इंसान फाकों में मरने लगे, ये सारे मसाइल क्या है जंग की वजह से पैदा होते हैं। जंग लड़ाई झगड़ा करना, जंग करना, ये क्या है मसलों का हल नहीं, बल्कि आपस में बैठ कर बातचीत करना ही असल है। जंग की वजह से खून और ख़राबा होगा और भूख और एहतियाज, भूख से आदमी मरने लगेंगे और मोहताजी और गरीबी मुफलिसी की ज़िंदगी की वजह से आदमी क्या है जोक दर जोक रोज़ाना मरते जाएंगे। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग डलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में आप और हम रहें तो बेहतर। इसलिए शायर क्या है आखिर में शरीफ इंसानों से मुखातिब होकर कहता है कि जंग टाल देना ही बेहतर है, यानी जंग को ख़त्म करना ही, बैठकर बातचीत करना ही, यही असल चीज़ है, यही बेहतर है। इसकी वजह से क्या है हर एक की ज़िंदगी चैन और सुकून की हो सकती है। आप और हम सभी के आंगन में और आप और हम रहें तो बेहतर, यानी हर एक अपने अपने मुल्क के हदूद के अंदर रहते हुए अपने अपने आंगन के अंदर हंसी और खुशी के साथ गुजर सकता है। ये सारे मसाइल पैदा नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या है इंसान मजबूर होकर के है अपनी पाकों की ज़िंदगी की वजह से मर न जाए। इसलिए जंग को ख़त्म करना ही, टाल देना ही बेहतर है। ये नज़म का पहला हिस्सा। बर्तरी के सबूत की खातिर खून बहाना ही क्या ज़रूरी है, घर की तैयारी किया मिटाने को घर जाना ही क्या ज़रूरी है। कोई मुल्क अपने आप को बड़ा और बर्तर यानी सबसे बड़ा साबित करने के वास्ते क्या है किसी का खून बहाना ही ज़रूरी नहीं। अपनी बर्तरी, अपने आप को बड़ा जाहिर करने के लिए, अपने को सुपर पावर बताने के लिए क्या है लोगों का खामखा खून बहाना ज़रूरी नहीं, बल्कि घर की तैयारी किया मिटाने को घर जलाना ही। यानी अगर घर के अंदर अगर तारीखी हो गई, अंधेरा हो गया, तो क्या है उसकी रोशनी के लिए क्या है अपने को पूरा घर जलाने की, घर को बर्बाद करने की, घर में आग लगाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि छोटा सा दिया या मोमबत्ती या कैंडल जलाने से ही घर के अंदर रोशनी हो सकती है। इसके लिए घर के अंदर अंधेरे को, घर के अंधेरे को दूर करने के लिए घर को जलाना ज़रूरी नहीं, बल्कि एक छोटी सी मोमबत्ती जलाने से घर के अंदर रोशनी पैदा हो सकती है। इसी तरीके से क्या है जंग की वजह से क्या है सारे मुल्क को, सारे अवाम को, सारी दुनिया को मुसीबत और परेशानी में डालना ज़रूरी नहीं। जंग के और भी तो मैदान हैं, सिर्फ मैदान हैं, कष्ट खूँ ही नहीं, हासिल ज़िंदगी खर्द भी है, हासिल ज़िंदगी जुनू ही नहीं। आओ ऐस तेरे वक्त दुनिया में फ़िक्र की रोशनी को आम करें। यानी जंग के लिए क्या है बहुत ही मैदान है, जिसके लिए अपन खून और लड़ाई झगड़ा करना ही, ये जंग नहीं है, इसको खत टालना ही बेहतर है। ज़िंदगी चैन और सुकून से गुजारने के लिए
एक दूसरे को कत्ल करना, दूसरे को नुकसान पहुंचाना ही ज़रूरी नहीं। दुनिया में क्या है, जीना है तो क्या है, ऐसे अच्छे ख्यालात, अच्छी रोशनी, एक दूसरे से मिलजुल कर रहने की फ़िक्र को आम करना है, जिसकी वजह से दुनिया के अंदर रोशनी होती है और चैन और सुकून फैलता है। ऐसी बातें करना ही शरीफ इंसानों का काम है। मिलजुल कर बैठना, दुनिया को अच्छी से अच्छी चैन और सुकून वाली ज़िंदगी देना ही असल ज़रूरी है। अमन को अमन से तकवीत पहुँचे, ऐसी जंगों का अहतमाम करें। यानी जंग करना क्या है, अमन को अमन के साथ मजबूत करना है और जंगों को ख़त्म करना है। असल जंग लड़ना ही, असल जंग यही है कि अमन के साथ चैन और सुकून की ज़िंदगी गुजारना। जंग वहशत से बरबरीत से, अमन तहजीब और इतका के लिए जंग मर्ग आखिरी सियासत है। अमन इंसान की बका। वहशत और बरबरीत करने के ख़िलाफ़, वहशत और बरबरीत किसी दूसरे को ख़त्म करना, कत्ल खून करना, इसके ख़िलाफ़ जंग करना है और अमन और तहजीब को आम बढ़ाना है, अमन को आम करना है और तहजीब के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। जंग आम मर्ग आखिरी सियासत, यानी अपनी सियासत, अपने आप को बड़ापन बनाने के लिए, अपने आप को सुपर पावर बताने के लिए क्या है, सियासत करके अपने एक दूसरे को जंग के अंदर झोंकना नहीं, अपना इंसान की बका, इंसान को बाकी रखने के लिए, इंसानियत की बका के लिए क्या है, चैन और सुकून और बेहतर निज़ाम के वास्ते अपन जंग को टालना है और अच्छे से अच्छा निज़ाम मुल्क के अंदर क़ायम करना है। जंग इफलास और ग़ुलामी से, यानी इसलाफ, गरीबी, मुफलिसी से क्या है, जंग करना है और ग़ुलामी की ज़िंदगी से क्या है, उस ग़ुलामी ज़िंदगी के ख़िलाफ़ जंग करना है और बेहतर निज़ाम की खातिर लड़ना है। अच्छे से अच्छा निज़ाम मुल्क के अंदर क़ायम हो, हरेक की ज़िंदगी चैन और सुकून वाली हो, इसके लिए, अच्छे निज़ाम के लिए अपन क्या है, जंग उसके लिए लड़ना है, कोशिश करना है। जंग भटकी हुई ख़यालत से, अमन बेबस आवाम की खातिर, जंग सरमाए के तसल्लुस से, अमन जमहूर की खुशी के लिए। यानी जंग क्या है, लोगों के भटकाने के लिए नहीं करना है, सबको एक जगह लाने के लिए, एक दूसरे से जोड़ने के लिए जंग करना है, लड़ना है। अमन और चैन बेबस आवाम को क्या है, अच्छी से अच्छी ज़िंदगी देने के लिए अपन कोशिश करना है, जंग करना है। और सरमाएदारों के ख़यालात, लड़ाई झगड़ा कराने के, अपना फ़ायदा देखने वाले लोगों से क्या है, बच के रहना है। और मुल्क के अंदर के अमन और जमहूर, हर एक को इंसानियत की नज़र से देखते हुए, हर एक की खुशी को देखते हुए क्या है, मुल्क के अंदर अमन अमान पैदा करना ही ये असल चीज़ है। जंग जंगों के फ़लसफ़े के ख़िलाफ़, पुरअमन अमन, पुरअमन ज़िंदगी। यानी जंग का फ़लसफ़ा क्या है, लड़ाई झगड़ा करना नहीं, हालात को सुधारने के लिए, अच्छे से अच्छे हालात को बेहतर से बेहतर बनाना, मुल्क के अंदर चैन और सुकून, हर एक की ज़िंदगी में क्या है, चैन और सुकून लाना ही असल मकसद है। पुरअमन ज़िंदगी ही असल है। लड़ाई झगड़े करना, जंग करना, दूसरों को नुकसान पहुँचाना, दूसरों का कत्ल खून गारतगिरी करना, ये क्या है, ये जंग का असल मकसद नहीं है। जंग क्या है, लोग लड़ाई झगड़ा करने वालों के दरमियान सुलह कराना, दूसरों को एक दूसरे के मिला मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारना बताना, यही असल जंग का मकसद होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा करना, कत्ल करूँ, बल्कि एक दूसरे को नफ़रत की ज़िंदगी से निकाल कर, माहौल नफ़रत के माहौल को ख़त्म करके पुरअमन माहौल को क़ायम करना ही असल मकसद होना चाहिए। यही शायर अपनी नज़म के अंदर, शरीफ इंसान वही हैं जो कि है अपने आप को अमन चैन की ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ क्या है, सारे मुल्क के हालात को क्या है, चैन और सुकून वाला बनाना, तभी कहे वह इंसान क्या है, शरीफ इंसान कहलाने का मुस्तहिक है। यही असल मकसद है शायर का, इस नज़म का।